प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग ऐसी बात नहीं है, जब राकेश मिश्रा लॉन्च हुए तो उनके लिए भी किया था मैंने गाना। अच्छा। प्रेम दीवानी में रवेश लाल लॉन्च हुए थे तब भी किया था। मुझे किसी ने पूछा और मैंने नहीं किया हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ, बीच में मैंने छोड़ दिया था करना, इसलिए करना छोड़ दिया था कि फिल्म होती है किसी और की। अगर मैं एक गाने के लिए सहायता के लिए जाता हूँ और सिर्फ मेरा ही फोटो डाल के पोस्टर बना के और पब्लिक को गुमराह कर दिया जाता है, तो फिर वो थोड़ा मुझे दुख हुआ। एक दो फिल्मों में ऐसा हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया था। पर बात जब घर की आई, मेरे भाई की आई, तो मुझे करना ही है, चाहे कोई उसके लिए कितना भी मुझे भुगतना पड़े। पर बात मेरे भाई की है तो अब मैं करने के लिए तैयार हुआ। बहुत अच्छा गाना है, बहुत बढ़िया गाना है। और चूँकि हमारे भैया मिठाई लाल जो है वो म्यूजिक फील्ड से ही हैं, वो पहले यहाँ फिल्मों में आने से पहले म्यूजिक में ही थे, वो गाना लिखते भी थे और हम लोग साथ साथ गाना गाते थे। और जब फिल्मों में ये जितना अनुभव मुझे है उतना ही अनुभव मिठाई लाल भैया को है, क्योंकि मेरी सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है, सारी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया है। पहली बार ये विनाशक जो फिल्म है वो मिठाई भैया खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी शुभकामना है इनके साथ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इतना आशीर्वाद प्यार दीजिए हमारे समर सिंह जी को, हमारे मिठाई लाल भैया को, कि ये फिल्म खूब सफल हो और ये आगे भी और अच्छी फिल्में बना सके। ये तो उनका बड़प्पन है, पर गुरु तो ये हमारे हैं। क्योंकि हम लोग बचपन में जब सीखते थे तो जो गाना मुझे नहीं आता था मैं इनसे ही सीखता था, तो ये गुरु हमारे हैं, ये ऐसा बोल दिए होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समर जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और जितने भी लोग साथ में इनके काम किए, संजय भैया, अयाज खान, जो अंजना सिंह, जो लोग मेरे साथ भी काम करते हैं, तो सब ने तारीफ़ की। मिठाई भैया की भी तारीफ़ की और समर जी की भी तारीफ़ की कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। मेरा ये मानना है कि कभी ज़रूरत पड़े और कोई भी आदमी अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए अगर सहायता न कर सके और वो बोले कि मैं दुनिया में इसके लिए करूँगा, उसके लिए करूँगा, गरीबों के लिए करूँगा, तो झूठ बोलता है। वो किसी के लिए कुछ नहीं करेगा जो अपने के लिए नहीं कर सकता, जो अपने भाई के लिए नहीं कर सकता, अपने परिवार के लिए नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। अभी अभी हम लोगों ने शेर हिंदुस्तान कम्प्लीट किया, जय बिरू तैयार है, इसके बाद दगाबाज सैया वो भी तैयार है, और हाल ही में हम लोगों ने एक दिन पहले गबरू कंप्लीट किया है, जो काफ़ी समय से बन रही थी, एक साल से बन रही थी। और अब हम लोग जा रहे हैं परसों से लल्लू की लला की शूटिंग करने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भिड़ा शेर के साथ और बहुत मज़ा आया। और एक दिन तो सेट पे रियल शेर भी आ गया था गबरू के सेट पे। तो और बाकी चार दिन की शूटिंग हम लोग उसकी बैंकॉक में करने वाले हैं, शेर के साथ में जो बाकी काम है। क्या करेंगे, जो करेगा वही करेगा। अरे भागे या बोले कि आजा भिड़ जा भाई। नहीं, हम लोग सुरक्षित स्थान पे पहुंच गए और जब वो पूरा घूम फिर के मुआयना करके चले गया तब फिर शूटिंग चालू की। निर्वा 4 की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि 3 लोगों ने काफ़ी पसंद किया, सबको अच्छा लगा। और आप लोगों ने ही जो उनसे पूछा था तो उन लोगों ने कहा था कि 4 आना चाहिए, तो हमने देखा था आपका इंटरव्यू हुई था, तो हम लोगों ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी और हम फरवरी में शूट कर रहे हैं निरहुआ 4। नया साल बस यही काम करते हुए, हमारे लिए तो काम ही पूजा है, आपको पता है। तो ऐसे काम करते करते नया साल मनाएंगे और काम करते करते नए साल में जाएंगे और फिर नई फिल्में बनाएंगे। प्लैनेट भोजपुरी।